सो हे व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है अहमद रिया, आप देख रहे हैं हमारे चैनल ARM टेक्निकल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने लाइट रूम के अंदर जो ऐप है आपका, उसके अंदर आपको बहुत इजीली तरीके से आप बहुत ही अच्छे प्रीसेट जो होते हैं उनको लेकर के बहुत अच्छे एडिटिंग कर सकते हैं काफ़ी अच्छे लेवल पर। तो अगर आप इसके बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हैं तो सारा कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों को प्रीसेट को यूज़ कैसे करना है, डाउनलोड करके कैसे आप लोगों को उसमें पहचाने, सारा कुछ आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। इस टाइम जो चल रही है 2021 चल रही है, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ बहुत इजीली तरीके से कि आपको प्रीसेट यूज़ करके अपने फोटो को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। तो इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप मत कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोग को इस तरह की नॉलेज पर वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बगैर टाइम बताए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अपने फ़ोन पर मैं आ चुका हूँ और आप लोगों ने सिंपल से करना क्या है, यहाँ पे अपने फ़ोन के प्ले स्टोर पर चले जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपने फ़ोन के प्ले स्टोर पर आ चुका हूँ और यहाँ पे आप लोग को ऊपर की तरफ सर्च कर लेना है FLTR। तो ये एक फ़िल्टर नाम से एप्लीकेशन है, ठीक है। तो आप लोग जैसे ही यहाँ पर ये लिख लेंगे FLTR, तो आप लोग को यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर ये एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएगी जिसका पूरा नाम है फ्री प्रेसेट फॉर लाइट रूम। तो इसके अंदर आप लोग को काफ़ी सारे जो प्रीसेट देखने के लिए मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप बहुत इजीली तरीके से एडिटिंग अपने फ़ोटो की कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को सिंपल से इसको ओपन यहाँ पर इंस्टॉल करना है। ऑलरेडी पहले से मैं यहाँ पर इंस्टॉल करके रख चुका हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं इसके 4.5 की रीडिंग है और 5 मिलियन प्लस इसके जो है डाउनलोड्स है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप लोग को सही ये एप्लीकेशन अलाउ मांगेगी, इसको अलाउ कर दीजिएगा आप, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से यूज़ करके रखी है। अब यहाँ पे मेरे कुछ स्टेप का जो यहाँ पे ऑप्शन आया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे जो यहाँ पे प्रीसेट है, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रीसेट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो एक प्रीसेट है जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो यहाँ पे जो मैंने ये प्रीसेट पे क्लिक किया है तो आप लोगों ने सिंपल से करने क्या है, यहाँ पे आप लोगों को फ्री प्रीसेट भी मिलेंगे जिसकी मदद से आप लोग इसको कर सकते हैं। तो फ्री वाले जो प्रीसेट होंगे उस पर कुछ इस टाइप का जो लिख रहा होगा, तो मैं जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा जो कि फ्री प्रीसेट है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इस वॉलपेपर पर क्लिक करा तो ये एक अच्छा प्रीसेट है, तो मतलब यहाँ पर कोई से भी ले लेते हैं। चलिए इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप लोगों ने सिंपल से यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ओपन करेंगे जो आपका प्रीसेट होगा वो ऑटोमेटिकली आपके जो लाइट रूम के अंदर यहाँ से पहुँच जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक प्रीसेट और ले लेता हूँ। तो ओपन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अब मैं अपने लाइट रूम के अंदर जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं लाइट रूम के अंदर चला गया। लाइट रूम के अंदर जाने के बाद ऑल फोटो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे जो यहाँ पर प्रीसेट हैं वो यहाँ पर आ गए होंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे देख लेता हूँ अपने प्रीसेट। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे यहाँ पे जो प्रीसेट है यहाँ पे आ गए हैं। जो भी आपके प्रीसेट होंगे वो कहीं पे भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके प्रीसेट जो ऊपर ही आए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इस प्रीसेट पे क्लिक करा और यहाँ पर आप लोग को प्रीसेट यूज़ कैसे करने वो भी यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ। 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कॉपी सेटिंग ऑप्शन है, इस पर क्लिक करा। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे वाले ऑप्शन पर टिक लगाएंगे हम और यहाँ पर टूल्स वाले ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर जो ये ऑप्शन है तीर वाला, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर क्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद बैक आ जाएंगे और यहाँ पर डन पर क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हैं सेटिंग कॉपी इसकी हो चुकी है। फिर हम जाते हैं यहाँ पर बैक और एक कोई भी अपना जो फोटो है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा फोटो जो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मुझे करना क्या, यहाँ पे 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और यहाँ पे पेस्ट सेटिंग पे क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पे मैं पेस्ट सेटिंग पे क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं मेरा जो बैकग्राउंड थे कुछ इस टाइप से हो गया। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ कोई अच्छा फ़ोटो, ठीक है, जो कि आपको भी अंदाज़ा हो जाए कि आप लोग इससे जो है कैसा जो है बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मेरे पास ये फ़ोटो है, इसको मैं यहाँ पे लाइट रूम के अंदर पहुँचाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरा फ़ोटो लाइट रूम के अंदर पहुँच चुका है और इस फ़ोटो को अब हम देखते हैं इसको करके। तो फिर से हम फ़ोटो के ऊपर क्लिक करेंगे और 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पेस्ट कर देंगे। ओके, तो इस टाइप से जो यहाँ पर ये आ रहा है। बाकी यहाँ पर कोई भी जो मैंने यहाँ पर प्रीसेट डाले हैं उसको यूज़ कर सकते हैं आप लोग।
सो गाइस जैसे कि मैंने इस वाले वॉल प्रीसेट पे क्लिक कर दिया और इसकी सेटिंग को जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। और जो अपने फोटो पे है इसको पेस्ट कर दूंगा। तो देख सकते हैं कुछ इस टाइप का जो आपका फोटो है, कुछ जो भी आपके प्रीसेट होंगे, जिस भी टाइप के आपका प्रीसेट होगा उस टाइप से जो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल यहाँ पे और भी दिखा देता हूँ आपको जो प्रीसेट है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ये प्रीसेट दिखाऊँ जो कि आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पर, तो ये एक वैसा प्रीसेट जो कि बना हुआ है। कॉपी सेटिंग पे क्लिक करते हैं और इसको जो है सब पे टिक लगा देते हैं और यहाँ पे क्रॉप वाले ऑप्शन को हटा के अब मैं एग्जांपल आप लोग को इसको जो है पेस्ट करके दिखा देता हूँ कि प्रीसेट का यूज़ आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे टिन डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करा और यहाँ पे हम जो है इसको पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ी बहुत सेटिंग और करनी होती है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जो मेरा प्रीसेट है यहाँ पे लग चुका है। तो सेटिंग को आप लोग जैसे भी करना चाहें वो यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं इन सेटिंग की मदद से, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप अपनी लाइट वगैरह जितने भी मतलब कम करना चाहते हैं तो आप इसमें बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। तो इस टाइप से जो है प्रीसेट का आपका यूज़ होता है। आप प्रीसेट अपने कोई भी यहाँ से प्रीसेट उठाएंगे, उठाने के बाद आप बहुत अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं लाइटरूम के साथ, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अपने जो प्रीसेट है आप लोग यहाँ पे ऑर्डर भी मतलब जो बाय है बाय कर सकते हैं। आप जो प्रीसेट है इनको बाय कर सकते हैं, आप खरीद सकते हैं बाकी प्रीसेट को जो फ्री हैं आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। सो बस आज के इस वीडियो में आप लोग को इसी के बारे में बताने वाला था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर मत जाना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस शुरू कर लेना ताकि आप लोग को इस तरह की नॉलेज पर वीडियो सबसे पहले मिल सके। और आप लोग को कुछ भी सवाल सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर से बता दीजिएगा। सो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले फ्यूचर के साथ, तब के लिए